उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरगाछी वायरल वीडियो की पड़ताल में पहुंची मीडिया टीम। कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरगाछी के प्रधानाचार्य विभास कुमार झा पर ग्रामीणों ने कई मामलों को लेकर मीडिया के समक्ष विद्यालय का सच सुनाया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में कुछ भी सिस्टम से नहीं चलता। यदि ग्रामीण महिला या पुरुष या विद्यालय के सचिव कुछ भी जानकारी के लिए विद्यालय पहुंचते हैं तो रसोईया सब उनसे झगड़ा करने लगते हैं। उसी में से एक रसोईया पूनम देवी ने तो हद ही पार कर दी, यहां तक कि हरिजन एक्ट में फंसा देने की बात भी करती है वह और अभिभावकों को कुछ भी कहने लगती है। मामला कुछ दिन पहले का ही, 7 बजे करीब विद्यालय का गेट खुला देख ग्रामीण वहां पहुंचे और उन्होंने पूनम देवी से पूछा शिक्षक लोग जो आते हैं किसी भी बच्चे को आज तक ढंग से न पढ़ाई करते हैं और न उसके कॉपी पर विषय वस्तु का जांच करता है, न लिखाई न पढ़ाई, कम से कम प्रत्येक दिन का जो है कि कॉपी पर सर तो साइन करते होंगे, तारीख देखा जाए सर, देखा जाए उसका गुड भी गुड ऐसा कुछ देते होंगे ना, वही देखा जा कि कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि हाँ आज के दिन में ऐसा उसका पढ़ाई। बच्चा का क्या नाम हुआ? मेरा बच्चा तो सर स्कूल में विद्यालय में नहीं है। किनका बच्चा है? उनका कॉपी अब तक चेक किए हैं? हम तो बगल वाला का बच्चा का है। क्या नाम है उस बच्चे का? उस कन्हैया लाल है। किस क्लास में पढ़ता है वो बच्चा? 7 क्लास में पढ़ता है। थोड़ा बुलवा सकते हैं बच्चे को? द्वारा ये पंजी है, ये पंजी बनाया गया है और कोई भी शिक्षा समिति का सदस्य अध्यक्ष सचिव वो लोग को जानकारी नहीं था। ग्रामीण ने हमको बोला तो हम रजिस्टर वो लोग को बोले कैसे से बनाना है, इसके बाद जाना है जांच में। तो विद्यालय के जो कर्मी हैं उनको जानकारी नहीं था रजिस्टर? उनको पूरा जानकारी नहीं था कैसे कैसे क्या करना है। प्रधानाध्यापक जानकारी नहीं दी इसके विषय में? प्रधानाध्यापक ये लोग वैल्यू नहीं देता, ये लोग आता है स्कूल तो ये लोग को भगा देता। क्या क्या आरोप है विद्यालय पर ये बताइए, एक तरफ से बताते चलिए। इसमें आरोप है फर्स्ट में विद्यालय प्रधानाध्यापक के द्वारा कभी भी बैठक में भाग नहीं लेने एवं अपने मनमानी तरीके से विद्या का संचालन करने से विद्यालय की स्थिति खराब हो गई है। और दूसरा, विद्यालय में मध्याह्न भोजन का पूरा संचालन रसोईया पूनम देवी प्रधानाध्यापक के द्वारा से सारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। प्रस्ताव नंबर 3, रसोईया पूनम देवी द्वारा रात्रि 7 बजे विद्यालय खोलकर चावल जिसमें ग्रामीण ने देखा, पूछने पर कहा कि विद्यालय का मालकिन हूँ मैं, कुछ भी कोई कुछ भी बोले बोल सकता है, जो बोलेगा उस पर मैं हरिजन एक्ट लगाकर केस कर दूंगी और बहुत ही विद्यालय के लिए शर्मनाक बात है। और ये महिला का नाम फिर से बताइए? पूनम देवी। ठीक, आगे बोलिए। प्रस्ताव नंबर 3, विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा यह निश्चय लिया गया है कि विद्यालय छात्र के उपस्थिति पंजी में बच्चों की उपस्थिति को बहुत ही अधिक संख्या में बनाया जाता है। इसमें अगला पॉइंट 5, विद्यालय का जमीन जो 53 डिसमिल है उसका 7 राशि प्रधानाध्यापक के द्वारा वसूला गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इस वर्ष से भी पूरा जमीन का हिसाब विद्यालय समिति के पास देखरेख में रहेगा। जो ग्रामीण का साइन है सही है कि गलत? सही है। और वहाँ जो हेडमास्टर के रजिस्टर में साइन होता है वो तो गलत होगा। चलिए तो ठीक, इसमें जो भी अच्छा नाम, अभी जो साइन जो किया है हाँ। इसमें से यहाँ पे कौन सब आए हुए हैं नाम बताइए? आए हुए हैं पंकज कुमार। कौन है पंकज कुमार जी? पंकज कुमार हम और एक है चमक। क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। विद्यालय से जुड़े हुए हैं? हाँ, विद्यालय से जुड़े हुए। किस रूप में? ऐसे ग्रामीण के कहने पर देख रेख में कभी कभी आते हैं। रजिस्टर में साइन किए हैं जी? किए हैं। किस संबंध में किए हैं? यही विद्यालय में विद्यार्थी सबको जो है कि सही रूप से पढ़ाई नहीं होते हैं, खान पीन सही नहीं होते हैं, उसके बाद जो है बच्चा का जो है देखभाल सही नहीं होते हैं। शनिवार के रोज हमने जब इस रास्ता से गुजर रहे थे, हमारा बच्चा ने, इस पीछे एक पोखर है, मास्टर सब यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चा जो है कि पोखर से नहा के बाहर हो रहा है, वो बच्चा अगर डूब जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी कौन होते है? तो ये सब चीज के लिए मीटिंग, ये सब चीज के लिए मीटिंग की है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर। घर? बलवा बरगाछी। प्रखंड? हसलगंज। आप जो ये रजिस्टर में जो साइन किए हैं जी, ये रजिस्टर स्कूल के ओर से बना हुआ है या आप सब बनाए हैं? हम लोग बनाए हैं। क्यों बनाए हैं?
स्कूल में बहुत मनमानी ढंग से काम हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो कभी अभी से 5 साल पहले से अभी तक यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुआ है। इस स्कूल का जो भी स्थिति है बहुत दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है। अभी सर लोग बोल रहे हैं कि नहीं सही है सही है, कुछ नहीं है। जैसे आप लोग अभी आ रहे थे जी, आने के क्रम में ही यहाँ पे खाना जो है डांस ढंग से बना हुआ है, तो कभी नहीं यहाँ पे बनता है ढंग से खाना वाला। ये बताइए कि वो जो सर जो अपना रजिस्टर दिखा रहे हैं उस रजिस्टर पे कभी आप सब ने साइन किया? नहीं, हम लोग साइन नहीं किए कभी। इस रजिस्टर के विषय में क्या कहना है? ये रजिस्टर तो हम लोग तो जानकारी तक रजिस्टर नहीं था, रजिस्टर बनवाए हैं। जैसे कि जो भी सबसे साइन के रजिस्टर सचिव को तो पता ही नहीं है कि मतलब रजिस्टर क्या है, स्कूल का जो क्या थी, तो हम लोग बनवाए सबसे साइन करवाए, रजिस्टर जरूरी है स्कूल। मतलब विद्यालय की ओर से रजिस्टर में कभी साइन नहीं कराया? कुछ लोग अपने मन से यहाँ रखता है, अपने मन से जो भी करता है, अपने मन से जो बच्चों को भिजवा के। प्रत्येक माह मतलब अभिभावक मीटिंग नहीं होती है? ना ना ना, तो मीटिंग कितने दिन से नहीं हुई है? मीटिंग तो हम समझते हैं 5-6 साल से नहीं हुई है। चुनाव कभी नहीं हुआ। क्या नाम हो गया आपका? मेनू के हिसाब से तो कभी यहाँ भोजन बनता ही नहीं है। आज का मेनू क्या है? चावल सोयाबीन बनना चाहिए, प्लेन चावल। यो तो हम भी देख प्लेन चावल है। इसके बाद जो बच्चा अंडा नहीं खाता शुक्रवार को, उसको कम से कम फल फ्रूट होना चाहिए। हाँ। वो चीज नहीं है आज तक तो सुनवे नहीं की। जैसे कि अभी जानकारी है मगर चावल में जैसे जीरा चावल है आज। हाँ। मैंने प्लेन चावल है, प्लेन चावल है और फल फ्रूट है। शुक्रवार को बच्चा जो बच्चा अंडा नहीं खाता उसको फल देना चाहिए, वो सब फल नहीं है। जो जैसे अंडा नहीं खाता है तो क्या उसके लिए फल का तो ये दिया जाता है कि नहीं? नहीं तो मतलब थी ना, सर सब सोचते हैं कि मास्टर सर की सबको जानकारी नहीं है, तो हम लोग चुपके रहते हैं, देखते हैं कब तक। चलिए आप अपना नाम बताएं। महेश कुमार मंदर। ग्राम? ग्राम बलवा। प्रखंड? हासनगंज। पहले साफ सफाई होती है, उसका चेतना सत्र प्रारंभ होता है। चेतना सत्र के दरमियान शिक्षकों का उपस्थिति जो जिला कार्यालय को भेजी जाती है, उसके बाद वर्ग कक्ष का संचालन प्रारंभ होती है। 12:20 में हम लोग टिफिन देते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं। और क्या सब सुविधा क्या सब है आपके विद्यालय? कितना बच्चा आता है डेली? बच्चा में कोई लिमिट नहीं है सर, कभी 100 सुपर भी हो जाता है, कभी 150 सुपर भी हो जाता है। खास करके शुक्रवार को बच्चे की संख्या बढ़ती है जिस दिन अंडा है, अंडा के दिन ज्यादा बढ़ जाता है। सुविधा में क्या सब है? शौचालय है, चापाकल है। प्रार्थना के लिए लाउड स्पीकर वगैरह? हाँ, लाउड स्पीकर है, पहले लिए हुए हैं, अभी नहीं लिए हैं। उसको चलाते हैं? चलाते हैं जब जरूरी पड़ता है। बच्चा ढेर आता है तो ऐसे बच्चा उतनी, अभी का ठंडा का मौसम है तो बच्चा आते आते 10 बज जाता है, और चेतना सत्र प्रारंभ होना है उनको 9:30 में। कितने शिक्षक शिक्षिका हैं इस विद्यालय में? 10 पदस्थापित हैं, जिसमें एक कोऑर्डिनेटर है, 9 बच्चे हम लोग। आज सारे उपस्थित हैं? नहीं, एक तो जो है क्षतिपूर्ति अवकाश में है, बाकी सब उपस्थित है। टोटल कितना बच्चा का नामांकन है विद्यालय के अंदर? 302। आज कितने बच्चे आए हुए थे? जी आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ विभास कुमार झा, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेतिया। अच्छा, कुछ ग्रामीण का कहना है कि जब ग्रामीण आपको कहता है आप उसको धमकाते हैं हरिजन के नाम से? हरिजन को नाम से हमने धमकाते हैं सर, हरिजन ये गो है, हम सारा आदमी धमकाता है हमको कि बाहर कर देंगे। यूरोप सब लगा है, सब ग्रामीण सब लोग, जो ये 2-3 जो लड़का था वही सब ऐसा किया है। हम का के लिए धमकाएंगे? हम ही को बोला है कि तू क्या छी, तू चमार से जात के अपना हमरा पर केस ठोकी दे, हम अगर यदि ऊपर फोटो भेज दिल छ। मैं एक ही बात बोले है कि हाँ ऐसा बात केना कर लो छो, से तो सब गांव में ना चले, चावल 6 बजे गिरल तो जहाँ 12 बोरी गिरे छो तो वहाँ 13 बोरा गिरल, तो हमरा फोटो केना ऊपर करी दे, हम कोनो चोरी इतना कर लो छो। हाँ तो अगर यदि इतना तोरा गुस्सा छो तो 6 बजे चावल के ना गिरेल, हम कहिए सर हमरा चाबी दल के तभी ना हम गिरेलिए। तो ये बात बोल लो कि हम ये शाम के 7 बजे चावल नहीं गिरेबे, कल अभी टाइम ना, हम बोलिए कि 6 बजे सर चावल अयले, इतना टाइम हो गया तो गाड़ी खराब हो गया नहीं, इसीलिए हम कहिए दूसरा दिन से हम ऐसा काम नहीं करबो, नहीं लेबो रिक्स। तो बोल के कि देख गाड़ी खराब हो गया इसीलिए शाम पड़ गल, नहीं तो ऐसा दूसरा दिन से नहीं होते हमारा से भी गलती। ऐसे पहले भी कभी टाइम में गिरावे रहे? ना, कभी न। की नाम भेज ले तुरु? पूनम देवी। 23 नवंबर दिन
अच्छा 23 नवंबर को शाम को मतलब कितना समय में यहाँ इस विद्यालय में चावल आया था? 6 बजे कितना लौट किया गया था चावल? 12 बोरी था तो चावल 13 बोरा गिराया गया था। तो स्टोर रूम का चाबी किसके पास रहता है? सर का पास। आपके पास कैसे आया? सर दिया हमको कि चावल आएगा तो गिरा दे। कितने बजे तक का टाइम है चावल गिरवा सकते हैं या स्कूल का? कितने बजे का था सर वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा घर बगल में था, 6 बजे आया तो सर गया घर पे कि चावल गिर रहा है पूनम देवी तो उतार लीजिए, तो हम गिरवा दिए। वो साधन से भी जाके बोला? तो क्या हुआ उसमें, क्या परेशानी आई आप सबको जो ये चावल गिरा उतरा और यहाँ चावल चोरी का आरोप लग रहा है? हमको कोई चीज का ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक ही चीज का है कि 12 बोरा गिरने वाला था तो 1 बोरा बेसी चल गया उसमें, तो 1 बोरा ये लोग बोला कि से उतारिए, तो हम बोले कि सर बार बार क्यों खोलेंगे, 1 बार तो खुलवा के फिर रखवाए 1 बोरा चावल तो फिर 1 बोरा क्यों निकालिएगा? कौन लोग बोल रहे थे कि चावल 1 बोरा? कौन लोग बोला? नहीं चावल जैसे अब सर बोला कि कौन बोला, यहाँ गांव का भी आदमी था। ये ध्यान में नहीं है? नहीं मेरा ध्यान में नहीं है। किस साधन से भी बोला? ये ध्यान में नहीं है मेरा, लेकिन कोई आदमी बोला कि चावल है 1 बोरी विशेष गिर गया है निकालने दीजिए, तो हम बोले कि देखिए बार बार हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपको सर भी थे तभी? हाँ सर भी था प्रधान अध्यापक। हमने जाने कौन सर वही बोले ना प्रधानाध्यापक ना चावल। आप यहाँ रसोईया हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि कितना शिक्षक है, कितना शिक्षिका है, कौन तो प्रधानाध्यापक है, कौन सहायक शिक्षक है। चावल गिराने वाला सर था। कितने दिन से खाना बनाती है यहाँ? 4 साल से बनाते हैं। चार साल से करते हैं। कितने आदमी है रसोईया? कितने हैं? 5। आपका क्या नाम हुआ? आपका मानना क्या है ये जो आप पे आरोप आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? हम कहना यही चाहते थे कि सर चाबी दिया हमको तब न हम गिरवाए चावल, अगर यदि बाय चांस सर न देता चाबी तो हम तो चावल नहीं गिरवाते, क्योंकि अपना घर तो नहीं ले गए हम चावल। इसका दोषी किन को मानते हैं आप? दोषी किन को मानते हैं? सर चाबी दिया हमको तो हम गिरवा दिए। मतलब आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं? काहे मानेंगे हम अपने आप को, काहे मानेंगे? आप सर से तो हम चाबी नहीं लिए कि सर हमको चाबी दीजिए तब हम चावल आपको रखवाएंगे। कितना बजे टाइम था? सर बोला कि 4:30-5 बजे में आएगा। अच्छा। तो उधर से सर बोला कि देखिए गाड़ी लेट हो गया, गाड़ी खराब हो गया, इसलिए हम 6 बजे चावल आए हैं गिराने। कितना बार इस तरह से चावल आप लोग गिराते हैं निकालते हैं अब तक में? हम 2 बार गिरवाए हैं। दोनों बार वही बोरा निकला था? हाँ? कभी ज्यादा गिरा था इससे पहले? और समय किस अगले बार जो गिरवाए थे वो टाइम कितना था? 4 बजे 4:30 बजे मतलब संडे को, जैसे संडे को कोई टाइम में आया तो संडे को वही 3 बजे 3:30 बजे। नाम बताइए। पूनम देवी। की महिला से क्यों लड़ते हैं जब कुछ कभी ये सचिव यदि जांच में आता है, सचिव का एक पोस्ट है अभी जो सचिव का जो आरोप है आप सब पर कि हमसे अभी भी ना लड़ रहे हैं किसी से, बता दे किसी से। आप सबको तो अपने काम से मतलब रखना है, जो काम है बस उसका काम है। सचिव अध्यक्ष का काम क्या है? विद्यालय का जांच और विधि व्यवस्था को सही से रखना। हम तो बोलते हैं जिसको चेक करना, आइए बैठिए चेक करना। 13 बोरा गाड़ी देने को बोलता है नहीं खाली है तो क्यों देंगे हम निकालने के लिए?